अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेता डिसूजा के आदेशानुसार प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष संध्या सवालाखे के मार्गदर्शन तथा शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष नैश नुसरत अली के नेतृत्व में देश की महिला पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया। बुधवार की शाम को वैरायटी चौक से संविधान चौक तक मार्च किया गया। इस दौरान महिला पहलवानों को न्याय देने और दोषी पर अविलंब कार्यवाही की मांग की गई। इस अवसर पर गीता जलगांवकर, प्रमिला राउत, मंदा वैरागड़े, रत्नमाला जाधव आदि लोगों की उपस्थिति देखी गई। देखिए, बेटियां देश का गौरव है, ऐसा प्रधानमंत्री जी हर अपने भाषण में बोलते हैं। जब यही बेटियां देश के लिए जब मेडल लेके आते हैं, भर भर के लोग जाते हैं और उनका स्वागत और सत्कार करते हैं। लेकिन आज देश की बेटियों के साथ जो हुआ है वो इतना बुरा हुआ है कि मतलब ये बात अब केवल इंडिया तक, भारत तक सीमित नहीं रह गई है, ये वर्ल्ड में ये बात पहुंच गई है। सोचिए कितना गंदा मैसेज जा रहा होगा। जो बेटियां दिन रात मेहनत करती है अपने देश का परचम लहराने के लिए, आज वो बेटियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है। सात महिला खिलाड़ियों ने इसकी कंप्लेंट की है, उसमें से एक महिला खिलाड़ी जो मतलब नाबालिग है। तो आप सोचिए, उसके बावजूद खेल मंत्री का क्या स्टेटमेंट आता है? एक भी बीजेपी का नेता वहां पर जाकर के नहीं बात करता है। देश की गौरव है वो, देश की आन बान शान वो बेटियां जिन्होंने देश के लिए मेडल लाए, दूसरे देशों में जाकर के देश का परचम लहराया, तिरंगे का सम्मान किया, और आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हीं बेटियों का अपमान कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है बृजभूषण जी इसीलिए अपने पद पर बने हुए हैं क्योंकि मोदी जी और पूरी भाजपा सरकार उनके समर्थन में खड़ी हुई है। कब तक ऐसा चलेगा? गीता पोगाट से लेकर के साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और कितने सारे वहां पर लोग पहुंच गए। आप मुझे बताइए, महिला आयोग की अध्यक्ष दिल्ली की, वो वहां पर गई, उसको डिटेन कर लिया गया। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब हम हमारी आवाज भी नहीं उठा सकते। मतलब मोदी जी ने तो अभी ऐसा हो गया है कि मतलब सारी लज्जा शर्म सब कुछ बेच खाई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बीजेपी सरकार पूरी तरीके से एक छिचोरी पार्टी बन चुकी है। देश की महिलाओं के बारे में बात करते, देश की बेटियों के बारे में, और उनकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं, उनकी इज्जत के साथ एक खेला हो रहा है। कौन है बृजभूषण? किसने उसको इतनी ताकत दिया? अजय कुमार टीनी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी, आखिरी तक उससे उसका पद नहीं लिया गया। कितना प्रेशर बना जब पूरे लोग रोड पर आए, जब किसान रोड पर आए, उसके बाद में कार्रवाई होनी स्टार्ट हुई। एफआईआर होने के लिए आपने 3.5 महीने लगा दिए। देश का संविधान के साथ क्या खेल कर रहे हैं आप लोग? नागपुर महिला कांग्रेस इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय नेता डिसूजा मैम ने हमें यह आदेश दिया है कि देश की महिलाओं की इज्जत हम नीलाम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। और हमारे महाराष्ट्र की अध्यक्ष, डैशिंग अध्यक्ष आदरणीय संध्या सवालाखे जी ने हमें यह आदेश दिया है कि जब तक महिलाओं को, हमारी महिला खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हमारे ये आंदोलन चलते रहेंगे। एनबीसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।